आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ अंतरिक्ष से संबंधित स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जितना भी सारा क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के साथ आज करेंगे, वो सारा क्वेश्चन किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन जो है इस बार भी जो NTPC का एग्जाम हो रहा है उसमें ये लगभग उसमें एक से या दो या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को देखने के बाद अंतरिक्ष से जितना भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो यह इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, और इसी तरह का वीडियो आप लोग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए, आज का स्टैटिक जीके है अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न, जो कि 20 क्वेश्चन हम आप लोगों को इस वीडियो में करवाएंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, और ये सारा देख रहे होंगे कि ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, और ये जितना भी क्वेश्चन है सारा रिपीटेड एग्जाम का क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को साथ करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोक्सिमा सेंटोरी, बी में दिया है बनार्ड, सी में दिया है नेबुला, और डी में दिया है सीरियस। जो कि सीरियस एक ऐसा तारा है जो कि आकाश का सबसे चमकीला तारा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर टू है। इसमें क्वेश्चन में है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका अति सूक्ष्म आकार है, ऑप्शन बी दिया हुआ अति विशाल आकार है, ऑप्शन सी दिया हुआ अति उच्च घनत्व है, और ऑप्शन डी दिया हुआ अति निम्न घनत्व है। इसका ऑप्शन सी इसका सही होगा, जो कि अति उच्च घनत्व है, जिसके कारण कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ही ऐसा पिंड है जो कि किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतरिक्ष से जो संबंधित है वो है, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वो कौन सा तारा है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ चंद्रमा से अधिक ठंडा, सूर्य से अधिक गर्म, सी में दिया सूर्य जितना गर्म, और सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, जो कि सूर्य से अधिक गर्म होगा। एक नीला तारा दिखाई देता है वो क्या है? सूर्य से अधिक गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि है, किसी तारा मंडल में एक बृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है, उसको क्या कहते हैं? तो मिलोकोवस्की, ऑप्शन बी दिया हुआ टोरी, सी में दिया है हाल्बिन, और डी में दिया है ओरियन, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जो कि क्या हो जाएगा? ओरियन हो जाएगा। क्लियर है? अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में 2005 में पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहा जाता है, क्या कहलाता है? धूमकेतु, बी में है उल्का, लवधक, क्लार्क, अभिनव तारा, जो कि आंसर इसका ई ऑप्शन होगा, अभिनव तारा, जो कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है, सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है? जब सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन जो दिया गया है, फर्स्ट में एक पार्शिक, बी में दिया हुआ एक खगोलीय एकक, सी दिया हुआ एक सौर वर्षा, डी ऑप्शन है एक प्रकाश वर्षा, और ई है एक अंतरिक्षी वर्ष, और एफ है ब्रह्मांड वर्ष। उसको बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर एफ इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बार अभी तक में पूछा जा चुका है, और आगे आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य, क्या है? ऑप्शन हो जाएगा सूर्य, सूर्य जो है एक इसमें से तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सौर परिवार में नहीं होता है? उल्का, तारे, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा तारे, जो कि सौर परिवार में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? मतलब सूर्य जो है उसमें उसमें बहुत सारा मिश्रण बना हुआ है, उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है वो बताना है। 71%, बी है 61%, सी है 75%, डी है 54%, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, जो कि है 71%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का क्या नाम होता है? क्रोमोमंडल, थर्मोमंडल, कोरोना, प्रकाश मंडल। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम होता है प्रकाश मंडल। तो यह सब वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कि देख सकते हैं कि ये जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक एग्जाम का पूछा गया है, और यही सारे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट है।
इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन है जिसमें कि 10 क्वेश्चन अभी करवा चुके हैं, 10 क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है वो है सूर्य ग्रहण होता है कब, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है, चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। जी हाँ, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा तेज गति से चलते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। चंद्रमा जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आता है तब जाके सूर्य ग्रहण होता है, उसी को सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। क्लियर होगा? तो देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार चार बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर जो होता है कितना तापमान होता है, जो सूर्य रहता है उसके पृष्ठ पर, उसके ऊपरी सतह पर कितना तापमान होता है, ये भी देख सकते हैं कि दो बार एग्जाम पूछा गया, डीएमआरसी मतलब रेलवे का एग्जाम है, फिर आरआरबी का पूछा गया। तो ऑप्शन है 8 × 10⁻¹⁵ डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस एंड 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी सही होगा कि सौर पृष्ठ पर लगभग जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगला क्वेश्चन है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन कौन पाया जाता है, तो वो है हीलियम, बी में यूरेनियम, सी में हाइड्रोजन और डी में अल्फा कण। तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन पाया जाता है यही है हाइड्रोजन इसका। अगला क्वेश्चन है पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, ये भी बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे का दबाव और भी एग्जाम होते हैं सस्ती, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसका ऑप्शन दिया बुध, शुक्र, पृथ्वी। अगला ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और डी है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो कि पार्थिव ग्रह में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है पार्थिव ग्रह है लेकिन ये कठोर सतह वाला नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये देख सकते हैं कि कितना बार एग्जाम में पूछा गया, 2003, 2008 मतलब लगभग 5-6 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, और बहुत इतना बार रिपीट हुआ कि बार दिया भी नहीं गया, और आने वाले एग्जाम में भी ये रिपीट हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया गया क्या था क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन दिया है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, बृहस्पति होगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। तो ऑप्शन ए दिया सोयूज, बी में दिया मेंगलान, सी दिया पाथफाइंडर और डी दिया है वायजर फर्स्ट। तो वायजर फर्स्ट जो है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है। ऑप्शन ए है बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, मतलब इसमें लिखना जो है वो लिखना क्रम के अनुसार, देखना कौन सही है, शनि, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। सीम है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, और हम जो भी वीडियो करवा में वीडियो लेके आएंगे स्टैटिक जीके का, वो सारा इसी तरह का क्वेश्चन होगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और आप लोग आगे जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इसी प्रकार यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है। तो वह ऑप्शन एम दिया मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, प्लूटो और सभी। तो ऑप्शन बी होगा बृहस्पति जो है ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित जो ग्रह वो कौन सा है, बृहस्पति, मंगल, प्लूटो, शनि। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित जो है वो कौन है, प्लूटो है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह 20 क्वेश्चन का अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न था, जो कि अगर इससे आप लोगों का एग्जाम में आता है तो यहीं से आप लोगों का एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एग्जाम का रिपीटेड है और कोई भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे के एग्जाम में। तो इसी तरह का वीडियो देखने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और वीडियो को लाइक कर दें।